सब स्ट्रगल करके आए हुए होते हैं आपको लगता है कि इनके पास पहले से डिवाइस होगा ऐसा नहीं होता है आपको खुद से पहले प्रूव करना पड़ता है किसी टूर्नामेंट में किसी छोटे टूर्नामेंट में जो भी लोकल टूर्नामेंट होते हैं उनमें या कोई बड़े टूर्नामेंट के क्वालिफायर में सबको ऐसे करना पड़ता है फिर जाके कुछ हो सकता है right. मेरा भी यही था कि मतलब मैं लो एंड डिवाइस भी खेलता था स्टार्टिंग में फिर बाद में प्रूफ करने लगा स्लोली बाय स्लोली फिर बाद में हुआ तो इसलिए पहले प्रूफ करो

तो उसके अंदर मैं दूसरी टीम से गया था ज़ीरो डिग्री नाम की एक टीम थी तो उसके साथ खेला था मैं और मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्लेयर था मतलब उस टाइम कोई जानता नहीं था मेरे को लेकिन जो हमारे क्वालिफायर्स होते थे उसके अंदर ये हमारी टीम का नाम होता था कि ये बंदे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं इनसे थोड़ा बच के रहो okay. तो जब हम लाइन के लिए क्वालिफाई करे थे और हम सब एंड्रॉइड पे खेलते थे उस टाइम तो हम क्वालिफाई करे मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी टीम्स है एन टी टी है सोल है उस टाइम सब बड़ी टीम्स लगती थी सोल एन सब तो नर्वस भी था मैं कि कैसे परफॉर्म करूंगा लाइन इवेंट होता है बाकी सारे प्लेयर्स को देख रहा था ऐसे बहुत सारे नर्वस भी थे मेरे टीम वाले थे आधे तो <laughs> तो मैं भी नर्वस हो गया थोड़ा तो फर्स्ट मैच वो हमारा फर्स्ट मैच अच्छा गया और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि चलो अच्छा खेलते हैं अच्छा खेलते हैं मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं देखे था मैंने उस गेम के तो तीन दिन का शायद इवेंट था वो पूरा तो तीन दिन हुए और लास्ट में जाके मेरे को पता चलता कि मैं टॉप रह गया था टूर्नामेंट का लेकिन क्योंकि मेरी टीम जीती नहीं थी तो मेरे को मिला नहीं

ये जीतना ही है माँ क्या कुछ भी हो रहा है जीतना ही है तो बोला ठीक है जीतते क्या तू तो घातक बोला जो दिखे सबको मारना है तो जो दिखे सबको मारे जैसे ही चिकन निकाला एक बंदा हम लोग को ऐसा देख रहा था कैसा ऐसा नाम नहीं लूंगा उसका इधर ही बैठा है तो फिर इसके बाद ही वो आया मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है मस्त चिल बंदा है और ये ये नॉटी बंदा गॉड ओया दिस वाज माय बेस्ट Move. Definitely it was. Okay, so moving ahead, who has been your toughest?